प्रेमामृता बोनिधि कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता बोनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो बुदितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो बारारवंतार भो मंडलपति श्रेणी
सदा भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंताश्रित भावरसामृता दिलहरी कल्लोल मग्न वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीदेव गोपाल जत को किल हंस सार सगना मयूरा कुले रत्न निबद्ध मूल मिटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो देवार्त दोयो मुदा वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को संख्या पूर्वक नाम गान नटिबी कालावसानी कृत निद्राहार विहार का दिविजितो क्यात्यंत दीनोचयो राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन प्रभुयुगो राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तो क्रमतो सदा गायन्तो च कदा हरे गुणवरं भावा
विभूतो मुदा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंपदामयं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधापादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चातदेश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वृषभानुनवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांतवंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते
गौराविर्भावभूमेस्त्व निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभूम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्मंगोर् मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमानागरासिमासनस्तो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रास सारंभी वंशी वट तटस्थता कर्शन वेणुर स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत विशेष तिथि है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। आज पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव है। तो आज ही मैं अपना कुछ मेडिटेशन भेज रहा था चिड़ा दही उत्सव का, तो कोई मुझे पूछ रहा था ये नया उत्सव क्या है चिड़ा दही उत्सव। इस्कॉन वाले तो अलग अलग उत्सव मनाते हैं, चिड़ा दही उत्सव कभी हमने सुना ही नहीं। तो ये स्पेशल गौड़ीय वैष्णवों के लिए नित्यानंद प्रभु ने नया उत्सव शुरू किया है। तो ये उत्सव के बारे में और इनके संबंधित रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम षड गोस्वामी का एक कोर्स कर रहे हैं, तो उसी के संबंध में हमने अब तक शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का चरित्र देखा है। तो आज से हम रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र करेंगे। आज, कल और शायद नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होगा ये। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ये चरित्र बहुत विशाल है और बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो संक्षिप्त में, ये पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास कर रहे हैं महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए। जैसा हम सब भक्ति में भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयास कर रहे थे और उनके मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं। फाइनली जब वो पानीहट्टी, एक स्थान है बंगाल में, वहाँ पे जाके जब वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं, जो साक्षात बलराम जी है, और नित्यानंद प्रभु के कहने पे वो एक उत्सव मनाते हैं, चिड़ा दही उत्सव। चिड़ा का अर्थ है पोहा, राइट, और दही दही। तो ये पोहा और दही मिला के उन्होंने व्यंजन बनाया और बहुत सारे अनगिनत भक्तों को खिलाया। तो फाइनली इतना वैष्णव सेवा करके, नित्यानंद प्रभु का प्रसन्नता प्राप्त करके, रघुनाथ दास गोस्वामी का इच्छा पूरा हो जाता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये पूरे उत्सव का सार है, जब तक व्यक्ति को गुरु का कृपा नहीं होता, तब तक जितना भी प्रयास कर ले भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो दिस इन शॉर्ट दिस चिड़ा दही उत्सव। तो अभी हम विस्तार से रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र देखेंगे। तो शास्त्र वर्णन करते हैं, भागवतम में ये श्लोक आता है, कृष्णवर्णम त्विसा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। वही भगवान कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं। और महाप्रभु के ये छह महत्वपूर्ण पार्षद हैं, इनको हम षड गोस्वामी बोलते हैं। तो हमारे भक्ति करने के लिए
जैसे हर एक के मार्ग में अलग अलग हीरोज होते हैं या हीरोइंस होते हैं, जो भी है आइडियल मॉडल्स होते हैं, तो हमारे लिए ये जो षड गोस्वामी हैं दे आर लाइक हीरोज, ये हमारे हीरोज हैं। तो भगवान की प्राप्ति कैसी करनी है, इनके चरित्र से हमको सीखना है। और खासकर ये जो कहानी है रघुनाथ दास गोस्वामी का, बहुत एडवेंचर के साथ भरा है, फिल्ड विद लॉट ऑफ एडवेंचर्स। और ये कहानी सुनते सुनते हमको हमारी ज़िंदगी में भी भगवान का कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे व्यक्ति के ज़िंदगी में उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्यता होना चाहिए, ये सब अलग अलग जो विषय हैं इनके कहानी के माध्यम से आते हैं। तो दो तरह के कृष्ण कथा हैं, एक भगवान की कथाएं और दूसरा है भगवान के भक्तों की कथाएं, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम नरसिंह देव का कहानी सुनते हैं ऑटोमेटिकली प्रहलाद महाराज आ जाते हैं। कैन यू हैव ऐसा नरसिंह कथा हो सकता है बिना प्रहलाद महाराज के? संभव ही नहीं है। राम कथा हो सकता है बिना हनुमान जी के? संभव ही नहीं है। तो भगवान का कथा मतलब भक्तों का कथा आ जाता है, और जहाँ पे भक्तों का कथा है वहाँ पे भगवान का कथा भी आ जाता है। तो जैसे हम सुन रहे थे ये जो इज इट ओके, तो ये तीन जो आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका हम चरित्र चर्चा करने वाले हैं, तो ये हमारे संप्रदाय के तीन महत्वपूर्ण आचार्य हैं। तो हमने सुना था वैदिक शास्त्रों में तीन स्तर होते हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ एडवांसमेंट। वैदिक शास्त्रों का विभाजन तीन स्तर में होता है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। तो संबंध का अर्थ है हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और ये दर्शाया है श्री सनातन गोस्वामी ने उनके उनकी जिंदगी से, उनके अलग अलग लेख से। सनातन गोस्वामी ने हमको समझाया है कि कैसा हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई रूप गोस्वामी, वो अगला जो मार्ग है, अगला जो स्तर है भक्ति का, उसको अभिधेय ज्ञान बोलते हैं। तो अभी हम थियोरेटिकली जान गए कि हम भगवान के दास हैं, तो अभी क्या करना है, या सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा क्या करना है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे अगर हम बार बार जप करेंगे मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, इमेजिन करो ऐसा एक मंत्र होगा, आई एम नॉट द बॉडी आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट द बॉडी आई एम स्पिरिट सोल, जितना भी जप कर लें हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे। इट इज़ नॉट अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि बार बार अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये चर्चा करके ये मनन करके व्यक्ति आत्मा के स्तर पर नहीं आता। आत्मा के स्तर पर व्यक्ति कार्य क्या करता है उसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान, भक्तिमय कार्य। और रूप गोस्वामी ने जो अभिधेय आचार्य हैं वो हमको सिस्टमैटिकली, खासकर उनके भक्ति रसामृत सिंधु, और भक्ति रसामृत सिंधु का समरी स्टडी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो इसमें रूप गोस्वामी सिस्टमैटिकली समझाते हैं ये भक्ति का विज्ञान का पालन कैसे करना है, ये नवविधा भक्ति, भक्ति के अलग अलग अंग का पालन कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। तो तीसरा स्तर है वैदिक ज्ञान में, वैदिक शास्त्रों में, उसको बोलते हैं प्रयोजन। हम इतने भक्ति के मार्ग में क्यों अग्रसर हो रहे हैं, क्यों अपने आप को युक्त करा रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली प्रयोजन का अर्थ है रिजल्ट, व्हाट इज आवर एम। ऐसा होता है ना स्कूल में बच्चे लोग करते होंगे, है कि नहीं, एम देन थियरी प्रोसीजर ऐसा कंक्लूजन। एम पहले डिसाइड होता है, प्रोसीजर होके बाद में एम होता है क्या? एम शुड बी फर्स्ट। तो हमारा प्रयोजन क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, व्हाट डू वी वांट। तो शास्त्र स्पेशली महाप्रभु बहुत क्लियरली वर्णन करते हैं भक्ति में हमारा प्रयोजन क्या है, प्रेम पुमार तो महान, वी आर ऑल लुकिंग फॉर कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति के लिए भी नहीं, वी आर ऑल लुकिंग फॉर द लव ऑफ कृष्णा। तो इसको बोलते हैं पंच पुरुषार्थ, द फिफ्थ पुरुषार्थ। जनरली लोग ये दुनिया में धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे लगते हैं, पर मोक्ष के परे है प्रेम, तो ये प्राप्त करना जिंदगी का सफलता है। और ये प्रयोजन जो वैदिक मार्ग में लास्ट स्टेज है, इसके आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी।
और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने प्रेम के स्तर पे थे, कंप्लीटली मैड, पूर्ण रूप से पागल। तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? पागल बनना। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? टू बिकम मैड। हम सब ऑलरेडी पागल हैं, माया के लिए पागल हैं ये दुनिया में, लेकिन माया का भूत सवार हो चुका है सब पे। सब लोग पागल की तरह बात करते हैं। पागल व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को और कुछ बताता है, ही इज अ मैड मैन। तो हमारे ऊपर माया का प्रभाव है, इसलिए हमको लग रहा है कि मैं शरीर हूं। हम असली हमारे स्वरूप को भूल गए हैं। तो जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के लिए पागल बनना, टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। और रघुनाथ दास गोस्वामी इज आर आचार्य हु टीचेस अस हाउ टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। एक बार हमारा पूना यात्रा हो रहा था, बहुत साल पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पूना यात्रा कराते थे। इट वॉज लाइक टू थ्री डेज हमारे मफतलाल प्रभु के बंगलों में, पर बहुत इंटीमेट यात्रा था। तो उस समय एक बार जय द्वैत महाराज आए थे वो यात्रा में, और राधानाथ महाराज जय द्वैत महाराज का गुणगान करते हैं। जैसे कोई स्पीकर आता ना, यू इंट्रोड्यूस, तो महाराज ने इनको इंट्रोड्यूस किया, जय द्वैत महाराज इज अ ट्रांसेंडेंटल मैडमैन, जय द्वैत महाराज पागल व्यक्ति हैं। और जय द्वैत महाराज बोले, इट टेक्स वन टू नो वन, मतलब आप भी पागल हो। तो जिंदगी का लक्ष्य है पागल बनना। तो ये दुनिया में लोग पागल होते हैं धन के लिए, यश के लिए, सुंदरता के लिए। पीपल आर मैड फॉर मनी, फेम, ब्यूटी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ये तीनों चीज था। बिफोर ही बिकेम अ गोस्वामी वृंदावन में, उसके पहले ये तीनों चीज था उनके पास। इतने धनी थे हम सुनेंगे विस्तार से। पर रघुनाथ दास गोस्वामी वो धन छोड़ देते हैं, और कौन से धन के पीछे भाग रहे हैं? कृष्ण प्रेम। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। कृष्ण प्रेम अगर नहीं है तो ऐसा जिंदगी क्या है? दरिद्र जिंदगी है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान आप कुछ भी ले लो, पर मुझे ये कृष्ण प्रेम का धन दे दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना धन छोड़ देते हैं, ही लीव्स हिज वेल्थ। इतने धनी थे, मल्टी बिलियनर, वो धन छोड़ के वृंदावन में एक भिक्षुक के रूप में रहते हैं। किसके लिए? टू बिकम वेल्दी इन द ट्रू सेंस, कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त करना। और ये दुनिया में लोग इतने यश के पीछे भागते हैं। पीपल आर सो मच मैड आफ्टर फेम, यू नो, स्टेटस, फेम के पीछे भाग रहे हैं। पर रघुनाथ दास गोस्वामी उनके जिंदगी से सिखाते हैं हमको क्या करना है। हमारे यश के पीछे नहीं, भगवान के यश को बढ़ाने का प्रयास करना है। वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द फेम ऑफ कृष्णा, भगवान का गुणगान करना। सबसे मीठा चीज क्या है? स्वयं का गुणगान। वी आर ऑल ईगर टू हियर आवर ओन ग्लोरीज। पर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुणगान के लिए नहीं, भगवान के गुणगान के लिए पूरा जिंदगी न्योछावर करते हैं, कंप्लीटली सैक्रीफाइस दिस एंटायर लाइफ। और रघुनाथ दास गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे ये दुनिया में असली सुंदरता है, व्हाट इज रियल ब्यूटी। रियल ब्यूटी के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। रियल ब्यूटी इज जब आंखों से सही में भगवान के विरह में अश्रु आएगा, देन सच अ पर्सन कैन बिकम ब्यूटिफुल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य है, क्योंकि भगवान का ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। ही इज रेडी टू गिव एनीथिंग। कुछ भी हो मार्ग में, कुछ भी अड़चन आए, सबको लांग के जाते। तो भगवान का जो प्रेम है प्राप्त करने के लिए एक कीमत चुकाना पड़ता है। जो व्यक्ति तैयार है वही प्राप्त कर सकता है। तो नित्यानंद प्रभु जब पानीहट्टी में आते हैं, पानीहट्टी में बहुत सारे लीलाएं करते हैं नित्यानंद प्रभु, पर उसमें से सबसे फेमस है ये चिड़ा दही उत्सव। और ये चिड़ा दही उत्सव को दंड उत्सव भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। तो हालांकि बाहरी रूप से नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड देते हैं और बोलते हैं सबका सेवा करो, बट एक्चुअली नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा दिखा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना भगवान का कृपा प्राप्त करना असंभव है। तो ये जो उत्सव है, इसमें जो
सही भक्ति से भाग लेगा, और भाग लेने का तरीका है श्रवण करना, और एंड में चिड़ा दही है प्रसाद के रूप में, उसका सेवन भी करना, पर जो ध्यान से ये उत्सव को समझेगा डेफिनेटली नित्यानंद का कृपा मिलेगा। और जिस व्यक्ति को नित्यानंद का कृपा मिला, बस निश्चित रूप से महाप्रभु का कृपा मिल गया। तो वर्णन आता है इन द ईयर 1494 AD श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म होता है। बंगाल में कृष्णपुर करके गांव है जो अभी भी है, ये कृष्णपुर गांव सप्तग्राम, देयर आर 7 विलेजेस, ये सप्तग्राम का एक भाग है। तो ये सब जो कहानी हम सुन रहे हैं आज, जो सुनने वाले हैं, ये रिसेंटली लगभग 500 साल पहले कहानी हुई है, और ये सब स्थलियां अभी भी है। तो सप्तग्राम 7 गांवों से बना है। ये गांवों का नाम है बांशिल, बांश बेदिया, शिवपुरा, वासुदेवपुरा, कृष्णपुरा, नित्यानंदपुरा एंड शंकर नगर। दीज आर 7 विलेजेस। ये 7 गांवों को सप्तग्राम बोलते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म ये आदि सप्तग्राम में से एक गांव कृष्णपुर में होता है। तो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम था गोवर्धन दास, और उनके अंकल का नाम था हिरण्य दास। और ये दोनों, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और अंकल, देवा फ्रॉम अ कायस्थ कम्युनिटी, और बहुत बड़े जमींदार थे, दे वर ग्रेट लैंडलॉर्ड्स। उस समय 500 साल पहले लगभग पूरा बंगाल और उड़ीसा का काफ़ी प्रांत मुस्लिम के अंडर था, यू नो, नवाब हुसैन शाह, ही वॉज अ रूलर। तो उनके अंडर में ये दो, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और अंकल गोवर्धन और हिरण्य, बोथ ऑफ देम वर लैंडलॉर्ड्स, और इनको टाइटल मिला था मजूमदार। मजूमदार का अर्थ है जो ट्रेजरर है, अकाउंट्स, लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देना था, तो गवर्नमेंट वुड अपॉइंट सर्टन पीपल, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते थे, सो दे वर लाइक ट्रेजरर्स, इसलिए इनका टाइटल था मजूमदार। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं आज के स्टैंडर्ड में रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके अंकल दे वर लाइक मल्टी बिलियनर्स, इतना धन था हम सोच भी नहीं सकते, इतना सोने का मुद्रा था। पर इतना होते हुए भी उनके परिवार में थोड़ा बहुत संस्कार था, दे वर रिच बट दे वर ऑल्सो जेनरस, लोगों को दान भी देते थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और अंकल के बारे में वर्णन करते हैं, महा ऐश्वर्य युक्त दुने वादन्य ब्राह्मण्य सदाचारी सत्कुलीन धर्मा धार्मिकाग्र गण्य नदियावासी ब्राह्मणेर उपजीव्य प्राय अर्थभूमि ग्राम दिया करेण सहाय। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं महा ऐश्वर्य। महा ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? वेरी ऑपुलेंट, उनका जो ऐश्वर्य इंद्र के समान था, वेरी वेरी रिच। पर ये होते हुए भी वादन्य, वदान्य का अर्थ है वेरी वेरी जेनरस, और किसके प्रति जेनरस? ब्राह्मणों के प्रति, काफी सारे ब्राह्मणों को दान देते थे। सदाचारी सत्कुलीन, उनका परिवार, फैमिली ऑल्सो वॉज अ हाई लाइनेज एंड दे हैड वेरी गुड कैरेक्टर, और धार्मिक कार्य करने में सबसे आगे, धार्मिक अग्र, अग्र का अर्थ है फॉरवर्ड, दे वर अहेड इन डूइंग ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। और वर्णन आता है नादियावासी ब्राह्मणेर उपजीव्य प्राय, नवदीप के जितने भी ब्राह्मण हैं इनके चैरिटी पे डिपेंड करते थे, मतलब ऑल द ब्राह्मणास वुड डिपेंड ऑन देम। और क्या क्या दान दिया उन्होंने? अर्थ भूमि ग्राम दिया करेन सहाय, दे वुड गिव मनी, थोड़े ब्राह्मणों को दान दे, पैसा देते थे, थोड़े ग्राम देते थे, यू नो, दे वुड गिव लैंड, इन दिस वे दे डोनेटेड। तो हालांकि उनके पास धन था और दान देने का भी क्षमता था और इच्छा भी था और वैष्णवों के प्रति सम्मान भी था, फिर भी इनका गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं होता, दे आर नॉट लाइक कंप्लीटली प्योर डिवोटीज, इसको बोलते हैं मिक्स्ड डिवोटीज। उनको भक्ति का कार्य भी करना है और साथ ही साथ अपना भौतिक ऐश्वर्य भी रखना है।
दे वॉन्ट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है कि कैसे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, उनको वैष्णवों के प्रति भी सम्मान था। एक बार नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो आदि सप्तग्राम के पास फुलिया में भजन करते थे, तो एक बार वो इनके घर में गए थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और अंकल बहुत सारे वैष्णवों को बुलाते थे, और हरिदास ठाकुर का यश तो सब जगह फैल गया। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने घर में बुलाया, बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनको एक आसन दिया, और वहाँ पे जितने भी उपस्थित थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए थे, सब हरिदास को देख के प्रसन्न हो गए। तो समय, क्योंकि हरिदास का क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज, हरिदास ठाकुर का एक्सपर्टीज है होली नेम, एक्सपर्ट इन होली नेम, तो उन सब ने निश्चय किया कि हरिदास ठाकुर के साथ हम हरि नाम पे चर्चा करेंगे। तो थोड़े जो ब्राह्मण वहाँ पे उपस्थित थे वो बोलने लगे, ये जो हरिनाम है ना, हरिनाम करने से क्या होता है, सब पाप मिट जाते हैं। थोड़े लोग बोलने लगे, नहीं नहीं, हरिनाम करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर हरिदास ठाकुर, जो हरिनाम के ऊपर अथॉरिटी है, वो बोलते हैं ये पाप मिटना और मुक्ति प्राप्त करना, ये हरिनाम का बाई प्रोडक्ट है, मेन बेनिफिट नहीं है। मेन रिजल्ट क्या है हरिनाम का, कृष्ण प्रेम का। उसका साइड बेनिफिट है, मुक्ति मिलेगा, पाप का जो पाप के जो फल है वो सब नष्ट हो जाएंगे। सो ऑल दिस डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन। तो उस समय वो असेंबली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, ब्राह्मण था। तो उसको इतना गुस्सा आने लगा, वो बोलने लगा, मुक्ति इतना बड़ा चीज है, ये हरिदास बोल रहे हैं कि हरिनाम करने से मुक्ति ऐसा ही बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उसको इतना गुस्सा आता है, वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, अगर आप जो बोल रहे हो गलत है ना, आपका नाक पिघल जाएगा, योर नोज विल मेल्ट। सो बेसिकली ही इज वेरी ऑफेंसिव। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और अंकल थे, गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार, ये गोपाल चक्रवर्ती को गले से पकड़ के बाहर कर देते हैं। तो ये कहानी क्यों आती है, ये बताने के लिए इनके परिवार में वैष्णवों के प्रति कितना सम्मान था। और आगे वर्णन आता है, ये जो गोपाल चक्रवर्ती ना, नाक पिघल जाना का अर्थ क्या है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, यू नो योर बॉडी स्टार्ट टू मेल्ट। हरिदास ठाकुर को कुछ होता नहीं है, और हरिदास ठाकुर इतने सहनशील हैं, हरिदास ठाकुर हरिनाम इतने कंटिन्यूसली जब क्यों कर पाते हैं, वेरी टॉलरेंट। सबके सामने उनको इंसल्ट किया है, पर हरिदास ठाकुर कुछ भी नहीं बोलते, ही जस्ट टॉलरेट्स इट वेरी हैप्पीली। ये व्यक्ति को बाहर कर दिया गोपाल चक्रवर्ती को, थोड़े दिन में गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग आ जाता है, इस एंटायर बॉडी गॉट यू नो लेप्रेसी, एंटायर बॉडी स्टार्टेड टू मेल्ट। तो ये होता है वैष्णवों के प्रति अपराध करने का फल, स्पेशली महान वैष्णवों के प्रति। सो दिस स्टोरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहानी बताते हैं ये दिखाने के लिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार में वैष्णवों के प्रति काफी सम्मान था। तो हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार यदुनंदन आचार्य के शिष्य थे। ये यदुनंदन आचार्य कौन है, यदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के शिष्य है। सो जिनको हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अद्वैत आचार्य हमारे पंचतत्व के एक सदस्य हैं, उन्होंने प्रार्थना करके महाप्रभु को दुनिया में प्रकट कराया। तो अद्वैत आचार्य के शिष्य होते हैं यदुनंदन आचार्य, और हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार इनके शिष्य थे। और इतना ही नहीं, इनके कुल पुरोहित थे बलराम आचार्य, और ये बलराम आचार्य भी भगवान के महान भक्त थे। तो इसलिए जब रघुनाथ का जन्म होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म, रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से ही बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य का संग मिलता है। तो महान भक्त, महान कैसे बनते हैं और भक्त कैसे बनते हैं, बाकी महान भक्तों के संगत में। तो बलराम आचार्य के पास बहुत अक्सर हरिदास ठाकुर आते थे, हरिदास ठाकुर वुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद बलराम आचार्य। और जब रघुनाथ का जन्म होता है, और धीरे धीरे जब वो थोड़े बड़े होते हैं,
अभी उनको पाठशाला भेजना था, और क्योंकि परिवार में बहुत धन था वो बहुत बड़े पंडित को बुला के सिखा सकते थे, पर भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार रघुनाथ दास गोस्वामी को बलराम आचार्य के पास भेजते हैं संस्कृत सीखने के लिए। तो बलराम आचार्य संस्कृत सिखाते थे, संस्कृत सिखाते सिखाते उन्होंने भागवतम भी सिखा दिया, क्योंकि बलराम आचार्य को पता है अल्टीमेटली ये संस्कृत ही बचाएगा, भागवतम के श्लोक बचाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से ही भागवतम के प्रति आसक्ति होने लगा, ही स्टार्टेड टू लर्न ऑल द वर्सेस ऑफ भागवतम, और बचपन से ही उनको समझ में आ गया जिंदगी का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। बहुत बड़ा स्कॉलर धनी बनना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य है भगवान का भक्त बनना। इसलिए शंकराचार्य उनके फेमस गीत में वर्णन करते हैं, भजगोविंदम 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 मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दिक्रन करणे। तो शंकराचार्य अपने शिष्यों को बोलते हैं कृष्ण का भजन करो, क्योंकि संस्कृत व्याकरण थोड़ा बहुत मदद करेगा, बट अल्टीमेटली अंत समय पे कृष्ण ही आएंगे, ऑल दिस संस्कृत इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और एक उनका एक ऐसा एक श्लोक है, भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नामस्मरणाद्य अनुपायम नाही पश्यामु भवादितरणे। तो बताते हैं जस्ट वर्शिप कृष्णा, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि ये भवसागर से पार करने के लिए एक ही मार्ग है भगवान का नाम स्मरण, चैंटिंग द होली नेम्स। तो रघुनाथ को बचपन से ही यह संस्कार मिल जाता है, ही गेट्स दिस कल्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो प्रभुपाद भागवतम के बहुत सारे श्लोकों में वर्णन करते हैं, जब खासकर बच्चों को पहले से ही भक्तों का संग मिलता है, देन चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी वंडरफुल डिवोटीज। जीव गोस्वामी का चरित्र जब हम देखेंगे, जीव गोस्वामी को बचपन से ही यह संस्कार मिल जाता है, जब रूप सनातन उनके अंकल्स और उनके पिताजी अनुपम जाके महाप्रभु को राम के लिए में मिलते हैं, जीव गोस्वामी दूर से देख रहे हैं ये प्रसंग को, तो महाप्रभु का दर्शन जीव गोस्वामी ने बचपन में ही कर दिया। तब से जीव गोस्वामी के मन में एक ही विचार है, मुझे महाप्रभु के आनंद में ज्वाइन होना है, आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व महाप्रभु। तो रघुनाथ दास को वैसे ही बचपन से संस्कार मिलता है, और जैसा मैं बता रहा था बलराम आचार्य के काफी करीब थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर आके बलराम आचार्य के साथ रुकते थे, और जब हरिदास ठाकुर देखते हैं कि छोटा रघुनाथ उसको कृष्ण के प्रति भागवतम के प्रति इतना रुचि है, हरिदास ठाकुर उनका कृपा बरसाते हैं रघुनाथ पे, हरिदास ठाकुर इज सो प्लीज्ड। तो यहां पे हम देखते हैं कि रघुनाथ का जिंदगी शुरू हो रहा है बलराम आचार्य की कृपा से, भागवतम के श्लोकों से, और खासकर हरिदास ठाकुर की कृपा से। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन हरिदास ठाकुरे याय करेन दर्शन हरिदास कृपा करे तहार उपरे सही कृपा कारण हैल चैतन्य पाई बारे। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसा लड़के को भेज दिया स्कूल में पढ़ने के लिए, रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन, बालक है रघुनाथ दास, अध्ययन करते करते हैं हरिदास ठाकुर का दर्शन होता है उनको, हरिदास ठाकुरे याय करेन दर्शन हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, हरिदास ठाकुर कृपा करते हैं, हरिदास ठाकुर बिकम्स वेरी हैप्पी विद रघुनाथ, सही कृपा कारण हैल चैतन्य पाई बारे, एंड दिस इज द स्टार्ट। हरिदास ठाकुर की कृपा से रघुनाथ का भाग्य खुलता है। श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद हमने क्या किया कि हमको भक्ति मिल गया? प्रभुपाद बोले, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों ने कुछ पुण्य नहीं किया, मैंने आपका भाग्य बनाया, आई मेड योर फॉर्चून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक भक्त का जिंदगी दूसरे भक्तों की कृपा से ही आता है। नारद मुनि का जिंदगी, भक्ति वेदांत आए थे नारद मुनि के घर में चतुर्मास के समय, और उन्होंने नारद मुनि को कृपा दिया, नारद मुनि भक्त बन गया। रामानुचार्य का चरित्र है, रामानुचार्य जब दक्षिण भारत में थे कांचीपुरम में, वो मायावादी स्कूल में पढ़ते थे, पर उस समय यमुनाचार्य और एक महान भक्त आते हैं वहां पे, और यमुनाचार्य वरदराज से प्रार्थना करते हैं रामानुज को भक्त बनने दो बस, और रामानुचार्य का भाग्य खुल जाता है।
सो जब भक्तों का कृपा मिलता है ना, देन आर फॉर्चून स्टार्ट्स. तो क्योंकि हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर का संग मिलता है रघुनाथ को, रघुनाथ की जिंदगी में इतना बड़ा प्रभाव बनता है, इतना तीव्र संस्कार बनता है. तो रघुनाथ देख रहे हैं कि उनके पिताजी और उनके अंकल इतने धनी हैं, पर रघुनाथ छोटे बालक हैं, पर उनको समझ में आता है धन है इनके पास, वैष्णव भी हैं थोड़े हद तक, पर रघुनाथ देख रहे हैं कि ये लोग खुश नहीं है. पर हरिदास ठाकुर उनका रेजिडेंस फिक्स भी नहीं है, फुलिया में हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे, he didn't even have a fixed residence. वस्त्र भी ठीक नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर रघुनाथ देख रहे थे कि ये हरिदास इतने खुश हैं. सो रघुनाथ दास गोस्वामी इन द बिगिनिंग ओनली ही डिसाइड्स, मुझे बनना है तो हरिदास की तरह ही बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हरिदास ठाकुर. और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे रघुनाथ को, रघुनाथ के सामने महाप्रभु का गुणगान करते थे, ही वुड टेल द पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु. और रघुनाथ दास ध्यान से महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं. अब तक उन्होंने महाप्रभु का दर्शन नहीं किया है, ही डिडंट सी महाप्रभु, पर हरिदास ठाकुर से ध्यान से सुनते हैं. तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, भगवान का संग प्राप्त करना है, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना ध्यान से, अटेंटिवली. और किससे श्रवण करना, शुद्ध भक्तों से ही श्रवण करना. श्लोका कम्स इन द भागवतम, अवैष्णव मुको दीर्घम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यतापय. भगवान का कथा अगर हम अभक्तों से सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा. जैसा दूध है, दूध को किसी सर्प ने मुंह लगा दिया तो वो दूध विषैली बन जाता है, तो वैसे ही भगवान का कथा दूध की तरह है, पर किसके मुख से सुनना है, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से. सो रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि ध्यान से भगवान के बारे में कथा सुन रहे थे, महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, महाप्रभु की सुंदरता के बारे में, रघुनाथ का मन एक चातक पक्षी की तरह बन गया. आप लोगों ने चातक पक्षी के बारे में सुना है, पता नहीं देखा कि नहीं, शायद गांव में होता होगा चातक पक्षी. ये चातक पक्षी का खासियत क्या पता है, उसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, सिर्फ बरसात का पानी पीता है, ऐसा मुंह ऊपर करेगा, सीधा ऊपर से आया हुआ पानी पिएगा, जमीन का पानी नहीं पिएगा. He will not drink water from the ground. मतलब जब तक बरसात नहीं होता तब तक प्यासा रहेगा. He just looking for that cloud. घनश्याम भगवान वो काला बादल के लिए रुका है बस, चातक पक्षी. तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे बन गए. हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर के संग में महाप्रभु के बारे में सुन के his mind became so fixed. एक ही उनका इच्छा था, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, रुकने के लिए तैयार हूँ, बट आई वॉन्ट टू सी महाप्रभु. ये तीव्रता बढ़ गया. भागवतम में रुक्मिणी जी का कहानी आता है, सेम एग्जाम्पल्स जो रघुनाथ का कहानी है, द सेम स्टोरी लाइन यू विल फाइंड इन एवरी डिवोटीज एग्जाम्पल. रुक्मिणी जी वो निश्चय करती है कि मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है, पर रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं, शी नेवर सॉ कृष्ण. और ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप था, फोटो एक्सचेंज हो रहा है, ये लड़का है, ये उसका प्रोफाइल है, राइट, नथिंग लाइक दैट. शी डिडंट सी कृष्णा एट ऑल, कृष्ण को कभी देखा नहीं उसने. पर रुक्मिणी जी ध्यान से उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, जैसे हरिदास ठाकुर रघुनाथ को महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं. रुक्मिणी जी के महल में नारद मुनि आते थे और नारद मुनि भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे कि कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण की लीलाएं इतने हैं. रुक्मिणी जी ध्यान से सुन के उन्होंने निश्चय कर दिया, मुझे विवाह करना है तो कृष्ण की तरह, आई वॉन्ट टू मैरी विद कृष्णा ओनली. सो वैसे ही रघुनाथ, ही डेवलप दिस ग्रेट डिजायर. उनके हरिदास ठाकुर के संग में इतना उनका तीव्र इच्छा होता है, मुझे महाप्रभु को ही प्राप्त करना है, आई हैव टू अचीव महाप्रभु. तो ब्रह्मा जी भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशे सुरेक्षित पतो नानु नाथ पुमसाम. तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए बताते हैं, हे भगवान आपके भक्त आपको कैसे देख सकते हैं, आशे सुरेक्षित पत. तो भगवान को देखने का मार्ग क्या है, थ्रू द ईयर्स.
सुरेक्षित, इक्षित का अर्थ है आंख, कौन सा आंख, कानों के माध्यम से आंख। तो कौन से मार्ग, कौन से भक्त भगवान को देख सकते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, द डिवोटीज हु सी यू थ्रू द इयर्स, जो आपके बारे में सुनते हैं वो आपका दर्शन भी करते हैं। तो जब रघुनाथ के मन में ये तीव्र इच्छा होने लगा मुझे महाप्रभु का दर्शन करना है, उसी समय, लगभग उसी समय महाप्रभु कटवा में संन्यास ले लेते हैं। एट द एज ऑफ 24 महाप्रभु जब 24 साल के थे अपना घर छोड़ के कटवा में जाके संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेके जैसे यहाँ पे रघुनाथ पागल हो गए वहाँ पे महाप्रभु पागल हो रहे थे, तो हमारा पूरा परंपरा पागलों का परंपरा है। सो महाप्रभु के मैड, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन की ओर भाग रहे, वृंदावन करके जस्ट रनिंग, यमुना राधा कुंड करके भाग रहे। तो नित्यानंद को समझ में आता है ए महाप्रभु चले गए वृंदावन, वापस नहीं आएंगे। तो नित्यानंद रू ट्रिक करते हैं, वो थोड़े लड़कों को तैयार करते हैं, पोजीशन में रखते हैं और बोलते हैं कि जब महाप्रभु आएंगे और पूछेंगे वृंदावन का रास्ता क्या है, क्योंकि उस समय गूगल मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था, रास्ता पूछ के जाना पड़ता था, तो उनको बताना शांतिपुर का रास्ता। तो चैतन्य महाप्रभु तीन दिन इधर उधर भटक रहे थे, रास्ता कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, कुछ भी पता नहीं, वृंदावन करके चिल्ला रहे, रूट मैप नहीं है, कुछ नहीं है। तो नित्यानंद ने एडवांटेज ले लिया, ये बच्चों को खड़ा कर दिया उधर, शायद चॉकलेट दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, है कि नहीं। तो महाप्रभु ने बच्चों को पूछा वृंदावन कहाँ है, बच्चे ने ये रास्ता दिखा दिया शांतिपुर की ओर, और महाप्रभु वृंदावन के स्मरण में शांतिपुर पहुंच गए। और गंगा, शांतिपुर में गंगा बहता है, तो गंगा को देख के उनको लगा ये वृंदावन ही है, बहुत खुश थे, वृंदावन पहुंच गया। उसी समय अद्वैत आचार्य आके पहुंचते हैं नाव से, और महाप्रभु सोच रहे हैं अरे अद्वैत आचार्य आप वृंदावन कैसे आ गए। तो उस समय अद्वैत आचार्य बोलते हैं ये वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है, वेलकम होम, और महाप्रभु को घर लेके जाते हैं। और 10 दिन महाप्रभु शांतिपुर में रुकते हैं, क्योंकि नवदीप के भक्तों को छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़ दिया, 10 दिन भक्तों को सांत्वना देते हैं। तो उस समय रघुनाथ को ये समाचार मिलता है कि महाप्रभु ने संन्यास लेके शांतिपुर आ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे आज्ञा दे दो, मैं शांतिपुर जाके महाप्रभु को मिलके आऊंगा। सो उनके पिता आज्ञा देते हैं एंड रघुनाथ गोस टू मीट महाप्रभु। सो हमारे षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास पहले गोस्वामी हैं जो महाप्रभु को मिलते हैं, रूप सनातन बाद में मिलते हैं, महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब वृंदावन जा रहे थे दिन दे मीट, पर रघुनाथ दास गोस्वामी मीट महाप्रभु एज सून एज ही टेक संन्यास। तो रघुनाथ दास बहुत प्रसन्नता से शांतिपुर पहुंचते हैं, जैसे नदी में एक फूल रहता है कमल, तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह बह के जाता है, तो शांतिपुर भी गंगा के तट पे है और आदि सप्तग्राम दिस ऑल्सो नियर द गंगा ओनली, तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी इतने तीव्र थे भागते भागते शांतिपुर पहुंचते हैं। हम अभी रिसेंटली मायापुर यात्रा में थे, तो गंगा पूजा का तिथि था, तो हम एक भजन गा रहे थे गंगा स्तोत्रम, जो आदि शंकराचार्य वर्णन करते हैं, तो उसमें आदि शंकराचार्य लिखते हैं गंगा का खासियत क्या पता है, गंगा इज रेस्टलेस, गंगा भगवान से मिलने के लिए इतनी रेस्टलेस है। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी इतने रेस्टलेस हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, इतना सुना है उन्होंने महाप्रभु के बारे में, ही जस्ट रन्स टू शांतिपुर। और जब वहां पे जाते हैं महाप्रभु का एक्चुअल दर्शन करते हैं ना, वो पूरे बेहोशी हो जाते हैं, क्योंकि जो हरिदास ठाकुर ने वर्णन किया था और उसके ऊपर जो रघुनाथ ने इमेजिन किया था, आजकल क्या होता है क्योंकि इंटरनेट है, फोटो सब जगह जाता है ना, वी डोंट अप्रिशिएट। मुझे याद है अभी मायापुर बोलेंगे तो पंचतत्व के फोटोज आते हैं, यू नो राधा माधव के फोटोज आते हैं, यू ऑलरेडी नो टू सम एक्सटेंट व्हाट इज देयर। मुझे याद है मैं जब पहले बार गया था मायापुर, उस समय कुछ फोटोज नहीं था, कुछ नहीं था, when the दर्शन ऑफ राधा माधव opened, it was so mind blowing, क्योंकि आपने जो इमेजिन किया था, जब कुछ चीज उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है ना, then you are like completely taken aback। तो रघुनाथ दास ने अब तक महाप्रभु का चित्र नहीं देखा, कुछ नहीं देखा,
माँ हरिदास ठाकुर से सुना, इमेजिन बहुत कुछ किया, जब एक्चुअल दर्शन किया उनको समझ में आया हरिदास ठाकुर के डिस्क्रिप्शन और उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सुंदर है महाप्रभु। ये दुनिया में दो सबसे सुंदर चीज है, एक है कमल, दूसरा है चंद्र, वन इज अ लोटस एंड अदर इज अ मून। इसलिए भगवान के सुंदरता को कभी कमल के साथ और कभी चंद्र के साथ तुलना करते हैं, बट दीज आर जस्ट सम लिटिल कंपैरिजंस। भगवान का सुंदरता कहीं ज्यादा है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को देखते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या करना है, देखते ही रहूं या आंख बंद करूं और किसी भी चीज को न देखूं, इस कंप्लीटली मैड, उनको समझ में नहीं आता क्या करूं, और उधर ही बेहोश होते हैं। और महाप्रभु उनका चरण रघुनाथ के सर पर रखते हैं, उनको कृपा देते हैं। और क्योंकि जैसे मैं वर्णन कर रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता हैं बहुत बड़े धनी थे, ऐसा डोनर होता है ना, डोनर का खास ख्याल रखते हैं, ये डोनर का लड़का है, आया है कि नहीं। सो अद्वैत आचार्य गेव स्पेशल मर्सी टू रघुनाथ दास। तो रघुनाथ दास एक 5 या 7 दिन वहाँ पे रुके। महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है, रेमनेंस है, अद्वैत आचार्य रघुनाथ को देते थे। तो 5 या 7 दिन रुकने के बाद महाप्रभु चले जाते हैं जगन्नाथपुरी और रघुनाथ वापस अपने घर आ जाते हैं। पर जब घर वापस आते हैं, ही इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी, अलग ही व्यक्ति हो गए। जाने से पहले कुछ और थे, आफ्टर कमिंग बैक ही इज़ कंप्लीट डिफरेंट। उनको ये दुनिया में किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं था, ही डिडंट हैव अटैचमेंट टू एनीथिंग। क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है, ही लूजेस अटैचमेंट। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी वार्निंग देते हैं। रूप गोस्वामी का वार्निंग क्या है, अगर आपको अभी भी ये दुनिया के प्रति आसक्ति है तो कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन में केशी घाट में मत जाना, क्योंकि कृष्ण क्या करेंगे, आपकी सब आसक्ति को छीन लेंगे। तो रघुनाथ दास जैसे होता ना अंडरवर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड जो घुस गया ना उसमें वन वे होता है, वापस निकल नहीं सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वैसे रघुनाथ दास इतने भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, किसी और के बारे में उनको चिंतन ही नहीं है। जैसे पूर्णिमा होता है ना, व्हेन द मून इज देयर फुल हाई टाइड होती है, समुद्र की लहरें बहुत जोर से बहती है, तो वैसे ही रघुनाथ के मन में, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चंद्र का आगमन हो गया उनके हृदय के आकाश में, रघुनाथ के हृदय में इतना विरक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, सो मच सिम्टम्स ऑफ डिटैचमेंट, ही बिकेम लाइक अ कंप्लीट मैड मैन। तो रघुनाथ सोते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, उनके मन में महाप्रभु का ही दर्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट महाप्रभु। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है ऐसा व्यक्ति सब जगह कृष्ण को ही देखता है। चैतन्य चरितामृत में ये बहुत सुंदर श्लोक है, महाभागवत देखे स्थावर जंगम तहां तहां हय तार श्री कृष्ण स्फुरन, स्थावर जंगम देखे ना देख तार मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो यहां पे महाभागवत का लक्षण है, हु इज अ ग्रेट डिवोटी। महाभागवत कौन है, महाभागवत इनएनिमेट एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को देखता ही नहीं है। स्थावर जंगम, स्थावर का अर्थ है इनएनिमेट स्टेडी ऑब्जेक्ट्स, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जंगम का अर्थ है मूविंग ऑब्जेक्ट। जो महाभागवत है ये दुनिया के कुछ भी चीजों को नहीं देखता, सब जगह क्या देखता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, इन एवरीथिंग व्हाट ही सीज सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह भगवान को ही देखता है। तो वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी देखें उनको महाप्रभु का ही स्मरण हो रहा था, ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट। तो एक दिन इतना ऐश्वर्य, इतने बड़े महल में रहते थे, पर उनको क्या लगने लगा, एक महल, ये जो महल है खेत खाने की तरह है, ऐसा वो पंक्षी होता ना उड़ना चाहता है, तो वैसे ही रघुनाथ के मन में भाव आने लगा। तो एक दिन रघुनाथ करेज लेके घर से भाग जाते हैं, ही जस्ट रन्स अवे
फ्रॉम हिज हाउस, और भाग रहे उनके पिताजी को समझ में आता है लड़का चला गया, लोगों को बेच के वापस लेके आते हैं। उस दिन से रघुनाथ का ये रोज का लीला हो गया, रोज भाग जाते थे, एवरी डे वुड रन, और रघुनाथ के पिताजी वापस आते थे। तो वर्णन आता है 11 लोगों को रखा इस पर नजर रखने के लिए, 11 पीपल। ये 11 पीपल कौन थे? 5 वॉचमैन। इमेजिन करो कितना धन रहेगा उस समय पे ये सब रखने के लिए। 5 वॉचमैन डे एंड नाइट देख रहे थे, 4 पर्सनल सर्वेंट, 2 कुक्स, इन दिस वे 9-11 पीपल कंटिन्यूअसली विद रघुनाथ। तो इतना क्लोज सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रहा था रघुनाथ का, फिर भी रघुनाथ को कोई रोक नहीं पाया। इतना तीव्र इच्छा था, द फायर रघुनाथ के मन में वैराग्य का आग उत्पन्न होने लगा, और उनके पिताश्री पानी डाल के बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या होगा। तो फाइनली रघुनाथ के पिताजी डिसाइड करते हैं एक ही तरीका है, इसका शादी करा दो। बहुत सुंदर लड़की देख के रघुनाथ का शादी करा देते हैं, बस ये लड़की कर लेगी। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं बहुत सारे तात्पर्य में, जो स्त्री का सुंदरता इतना है व्यक्ति इसी से बंध जाता है, पर्सन बिकम्स कंप्लीटली एंटैंगल्ड इन दिस वर्ल्ड। पर जिसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति है ऐसा व्यक्ति को कोई बांध नहीं सकता। सो प्रभुपाद राइट्स, व्हेन वन इज अट्रैक्टेड टू द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ राधा एंड कृष्णा, ही इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू फेमिनिन ब्यूटी। जब व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है, उसको ये दुनिया के प्रति किसी भी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे यमुनाचार्य का प्रार्थना है, बोलते हैं भगवान जब भी मैं जब से मैं आपके भक्ति में लगा हूं और मुझे इंद्रिय भोग के बारे में विचार आता है, आई कंप्लीटली स्पिट एट इट। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। ये दुनिया में हम सब अट्रैक्टेड हैं काम वासना से, और भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो ऐसे कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। तो रघुनाथ वॉज नॉट एट ऑल अटैच्ड, शादी हो गया, इतनी सुंदर स्त्री है, अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर, स्टिल रघुनाथ को कोई बांध नहीं पाया, नो वन कुड बाइंड रघुनाथ। तो रघुनाथ फिर भी भाग रहे हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो उसी समय और एक समाचार आता है, चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी से वो दक्षिण भारत यात्रा करके वापस जगन्नाथपुरी आए, और फिर से वो वृंदावन के लिए निकलते हैं। अगेन महाप्रभु लीव्स टू वृंदावन, पर इस बार वृंदावन नहीं जाते, राम के लिए जाके रूप सनातन का उद्धार करके आते हैं। तो राम के लिए पहुंचने से पहले, सॉरी राम के लिए पहुंचने के बाद, शायद राम के लिए पहुंचने के बाद वो फिर से शांतिपुर पहुंचते हैं, बिफोर ही कम्स बैक टू जगन्नाथपुरी। वापस जगन्नाथपुरी आने से पहले शांतिपुर फिर से पहुंचते हैं, और रघुनाथ को ये समाचार मिलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से अपने पिताजी के पास जाते हैं, क्योंकि अभी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गया, स्वयं से नहीं जा सकते। तो पिताजी को जाके बोलते हैं, आज्ञा देह या न देखी प्रभुर चरण, अन्यता न रहे मोरे शरीर जीवन। वो पिताजी को जाके बोलते हैं, आप प्लीज परमिशन दे दो, एक बार मैं महाप्रभु को मिलकर आता हूं, नहीं तो आई विल गिव अप माई बॉडी, मैं सुइसाइड कर लूंगा, शरीर का धारण नहीं कर सकता। तो पिताजी भेज देते हैं, तो पिताजी को भी डर लगने लगता है, ये लड़का कुछ भी कर लेगा। उधर ठीक है, ये सब सिक्योरिटी को लेके आप चले जाओ। तो रघुनाथ दास फिर से बहुत उत्साह के साथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब वो महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, ही ऑलरेडी नोट्स रघुनाथ के मन में क्या चल रहा है, उनको ऑलरेडी पता है। जैसा हम रूप सनातन का कहानी सुन रहे थे, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते हैं, उनके शरीर में एक रोग आ जाता है, स्किन डिजीज। तो वो निश्चय करते हैं कि रथ यात्रा में मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, आई विल जस्ट कमिट सुइसाइड। तो एक दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन से मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, और सडनली सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, ये सुइसाइड का विचार छोड़ दो, सुइसाइड करके भगवान की प्राप्ति होती थी तो मैं तो सुइसाइड कब का कर चुका होता, ये तमोगुण का लक्षण है। ही सडनली टेल्स इवन विदाउट आस्किंग। तो वैसे हमने रूप गोस्वामी का चरित्र सुना, जब रूप गोस्वामी वृंदावन में थे
वो एक उनके मन में एक इच्छा होती है, मैं कृष्ण का द्वारका लीला और वृंदावन लीला के ऊपर एक नाटक लिखूंगा। वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है सत्यभामापुर। वहां पे सत्यभामा आके उनके उनके सपने में आके बोलती है, आप कृष्ण का वृंदावन लीला और द्वारका लीला दो नाटक लिखो, दो पुस्तक लिखो, एक ही पुस्तक में मत लिखो। जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, महाप्रभु भी वही बोलते हैं, बिना पूछे महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं कृष्ण को वृंदावन से मत निकालो, अब दो पुस्तक अलग अलग लिख लो। तो वैसे रघुनाथ चले गए महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु रघुनाथ का हृदय जान गए और महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, स्थिर हो न गरे याओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकुल। महाप्रभु बोलते हैं स्थिर हय घर आओ, अरे बी पेशेंट, रिटर्न होम, घर जाओ, पेशेंट रहो, ना हो वातुल, डोंट बिकम अ मैडमैन, तुरंत पागल मत बनो, है कि नहीं? पागलपन का भी अलग अलग स्टेजेस है कि नहीं? डू इट ग्रेजुअली, डोंट बी अ क्रेजी फेलो। अब क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमे क्रमे भवसागर से पार होगे तुम, बट इट विल हैपन स्टेप बाय स्टेप, सडनली जंप मत मारो, बी पेशेंट। और महाप्रभु आगे बताते हैं, मरकट वैराग्य न कर लोक देखा न, यथा योग विषय बुंजन अनासक्त होना। महाप्रभु बोलते हैं बंदर के जैसा वैराग्य मत करो लोगों को दिखाने के लिए, अभी तुम घर में हो, धन है, जितना जरूरत है उतना स्वीकार करो इंद्रिय भोग, बट विदाउट बिकमिंग अटैच्ड, बिना आसक्त हुए। तो ये जो शब्द है ना मरकट वैराग्य, ये मरकट वैराग्य का अर्थ क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, जो बंदर है ना मंकीस, बंदर सबसे बड़े वैरागी हैं, क्योंकि एक तो जंगल में रहते हैं, दूसरा इतने बड़े वैरागी हैं वस्त्र भी नहीं पहनते, कंप्लीटली रिनाउंस्ड, फल खाते हैं, ऑल सिम्टम्स ऑफ रिनाउंसिएशन, है कि नहीं? पर हर एक बंदर इतने सारे फीमेल्स बंदर के साथ उनका संग होता है, दिस इज कॉल्ड मरकट वैराग्य। इसका अर्थ क्या है, बाहर एक्सटर्नली वैराग्य पर मन में बहुत सारे गलत विचार हैं, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य जानते हैं, ये शब्द सुना आपने, शमशान वैराग्य करते हैं जब व्यक्ति किसी के शमशान में जाता है ना, किसी के अंतिम क्रिया में, तो शरीर जलते हुए देख के ना व्यक्ति के मन में बहुत वैराग्य का भाव आता है, अरे क्या है जिंदगी, कुछ फायदा नहीं है, धन कमा के ऑल दिस फीलिंग्स कम, कब तक, जब तक घर वापस नहीं आते, घर वापस करके स्नान करेंगे इमीडिएटली टीवी ऑन करते हैं, बस भूल गए सब कुछ, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी सिम्टम्स, टेम्पररी यू नो फीलिंग्स। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा वैराग्य मत करो, देयर इज नो पॉइंट। तो श्रील प्रभुपाद वुड गिव मेनी टाइम्स, ही वुड गिव दिस एग्जांपल, एक्चुअल रिनाउंसिएशन का अर्थ क्या है, एक्चुअल रिनाउंसिएशन का अर्थ है ये जानना कि सब कुछ भगवान का ही संपत्ति है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जैसा एक बैंक है, आप बैंक को देख के बोलोगे मैंने ये बैंक को त्याग दिया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, आई हैव सैक्रिफाइस दिस बैंक, आई हैव रिनाउंस द बैंक, इसका मतलब क्या है, वो बैंक तुम्हारा था ही नहीं, तुमने क्या सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस करने के लिए हमारा होना चाहिए, बैंक हमारा है ही नहीं, क्या सैक्रिफाइस करेंगे। और अगर हम जाके बोलते हैं ये बैंक मेरा है, सब पैसा मेरा है, मतलब चोर है कि नहीं, ही इज क्लेमिंग एवरीथिंग। तो वैसे ही वी कांट एंजॉय एनीथिंग एंड वी कांट सैक्रिफाइस एनीथिंग, एंजॉय करने के लिए हमारा होना चाहिए और सैक्रिफाइस करने के लिए हमारा होना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का ही है। सो प्रिंसिपल है कि सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करो। श्रील प्रभुपाद वुड गिव अनदर एग्जांपल, रास्ते पे चलते चलते आपको $100 बिल या जो भी ₹100 मिला, तो तीन तरीके हैं इसको डील करने के लिए। पहला, छोड़ दो, अरे मेरा पैसा नहीं है, किसको क्या पड़ा है, भूल जाओ, चलते रहो। दूसरा है पैसा देख के इधर उधर देखो, कोई नहीं है, जेब में डाल दो बस। तीसरा है पैसा ले लो, सही मालिक कौन है जाके ढूंढ के दे दो। तो वैसे ही जो ज्ञानी है वो ये दुनिया के चीज़ों को छोड़ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। जो भोगी हैं ये दुनिया की चीज़ों को लेके भोग करते हैं। पर भक्त क्या करते हैं,
ये दुनिया की चीजों को लेके भगवान को दे देते हैं. दे फाइंड द रियल ओनर एंड गिव इट. तो महाप्रभु इस तरह से बताते हैं, बी रिनाउंस इन दिस एक्चुअल स्पिरिट. दिखाने की जरूरत नहीं है, अब अंदर से वैराग्य का भाव उत्पन्न करो. समसिद्धि हरितोषणम, आप जो भी कर रहे हो ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्णा. परमार्थ निष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय हय संसार तारण. सो द रियल पर्पस ऑफ संन्यास, संन्यास का असली पर्पस क्या है? सिर्फ वेश धारण करना नहीं है, संन्यास का रियल पर्पस है मुकुंद सेवाय हय टू सर्व कृष्णा. तो महाप्रभु का ये आज्ञा पालन करके रघुनाथ को थोड़ा और प्रेरणा मिलता है. सो फर्दर महाप्रभु टेल्स रघुनाथ, अंतरे निष्ठार निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तमाय करीबे उद्धार. वृंदावन देखी यदि आसीब नीला चले तभी तुम्हें आमा पाश आसीह कोण चले. तो महाप्रभु रघुनाथ को आगे बोलते हैं, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार. इंटरनली आप मेरे चरण कमल के ऊपर आप ध्यान करो, बी वेरी स्ट्रांग इनसाइड, बट एक्सटर्नली यू बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी मैन. बाहरी रूप से आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो. तो इस तरह से आप कार्य करोगे तो क्या होगा? अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीब है उद्धार. वेरी सून कृष्णा विल डिलीवर यू, आप प्रतीक्षा करो. और महाप्रभु बताते हैं कब आपका उद्धार भी होगा. तो महाप्रभु बोलते हैं, अभी इस बार तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा. नेक्स्ट टाइम मैं जब वृंदावन जाके वापस जगन्नाथपुरी आऊंगा ना, तब आप आ जाना. तो रघुनाथ पूछेंगे कैसा होगा, एग्जैक्ट क्या होगा. महाप्रभु बोलते हैं, तभी तुमा आमा पाशी आशीह कुन चले. कृष्णा विल इंस्पायर यू. उस समय भगवान एक आइडिया देंगे आपको, अभी नहीं बताऊंगा मैं. सो भगवान ना अपने भक्तों को स्पून फीडिंग नहीं करते. एग्जैक्टली कौन से मोमेंट में निकलना है, एवरीथिंग इज डायनामिक. भगवान प्रेरणा देंगे. तो ये बोल के महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं. और रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े दिन रह के ही कम्स बैक टू हिज हाउस. सो आई टेल वन मोर पास टाइम एंड देन विल स्टॉप फॉर टुडे, द रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो. जब रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आते हैं ना, ही बिकम्स लाइक अ फर्स्ट क्लास मटेरियलिस्टिक पर्सन, ऐसा दिखाते हैं. पहले बार जब महाप्रभु को मिलके आए पूरी तरीके से पागल हो गए, घर भाग रहे, रोज घर से भाग रहे. अभी जब दूसरे बार मिलके आए, महाप्रभु ने काउंसलिंग कर दिया उनको, है कि नहीं. इस बार जब वापस आए ही कम्स लाइक प्रॉपर बिजनेस संभालने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं. उनके पिताजी तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दे बिकम लाइक वेरी हैप्पी. लड़का चेंज हो गया, है कि नहीं, थोड़ा भूत उतर गया उसका, बुखार उतर गया भक्ति भक्ति का. नाउ माय बॉय इज ओके, नॉर्मल है लड़का, है कि नहीं. तो एक कहानी आती है कैसे रघुनाथ दास जब बिजनेस करने लगते हैं ना, इतने बुद्धिमान है. एक बार उनके पिता और उनके अंकल दे गेट इन टू सीरियस ट्रबल. क्या होता है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, वो लोगों से 20 लाख कॉइन्स कलेक्ट करते थे. दे वुड कलेक्ट 20 लाख गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम एज टैक्स फ्रॉम द पीपल ऑफ सप्तग्राम. ये 7 गांवों से 20 लाख सोने का मुद्रा. उसमें से क्या करते थे, उनको एक्चुअली 15 लाख गवर्नमेंट को देना था एंड रेस्ट दे हैड टू कीप फॉर देमसेल्स. पर ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ 12 लाख देते थे, मतलब 3 लाख का गपला. मटेरियलिस्टिक आदमी है, कुछ ना कुछ करके ज्यादा कमाएगा, है कि. दिस इज व्हाट रघुनाथ अंकल एंड फादर वर डूइंग. तो ये लोग वहां के टैक्स जमींदार बनने से पहले, एक टर्किश जमींदार था, एक मुस्लिम टर्किश जमींदार था, गवर्नमेंट ने उनको पोस्ट से निकाल दिया, इनको पोस्ट दे दिया. तो उसको तो ईर्ष्या था पहले से, पूरा स्टडी कर रहा था. जब उसको समझ में आया ये लोग गपला कर रहे हैं, उसने जाके मिनिस्टर को कंप्लेन कर दिया, दिस व्हाट दीस पीपल आर डूइंग. तो मिनिस्टर ने टर्किश चौधरी को राइट दे दिया, उनको गिरफ्तार कर दो. सो दिस फेलो केम विद सोल्जर्स टू अरेस्ट रघुनाथस फादर एंड अंकल. और ये दोनों भाग गए और रघुनाथ वहां पे रह गए. तो ये टर्किश चौधरी रघुनाथ को लेके जेल में डाल देता है. और जेल में डाल के वो रोज आता था रघुनाथ को मारने के लिए. पर रघुनाथ का चेहरा देख के उसका हृदय पिघल जाता था.
ही वुडन बी एबल टू बीट अप. और रघुनाथ इतने बुद्धिमान थे, इतने सुंदर तरीके से बात करते थे, ही कुड एक्चुअली विन एनीवनस हार्ट. तो रघुनाथ एक दिन ये मुस्लिम टर्किश चौधरी को बोलते हैं, देखो मेरे जो पिताजी हैं और उनके बड़े भाई और आप तीनों ना भाई भाई की तरह हो. तो कभी भाइयों में झगड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वही साथ में बैठ के खाना खाते हैं. तो मुझे पता है अभी आप झगड़ा कर रहे हो, कल आपका संबंध ठीक हो जाएगा. और क्योंकि आप तीनों भाई की तरह हो, मैं तो आपके लड़के की तरह हूँ, मेरा रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो इसलिए आप मुझे छोड़ दो, आप महान संत हो. लाइक दिस ही स्पीक्स. और ये टर्किश चौधरी का हृदय पिघल जाता है, आंखों से अश्रु आता है और दाढ़ी उसका गीला हो जाता है. इट बिकम्स कम्प्लीटली हार्ट मेल्ट्स. और ये बोलता है कि आप जो बोल रहे हो बराबर है, यू नो तुम मेरे लड़के की तरह हो, मैं भी तुम्हारा कुछ भी नहीं करूँगा, पर तुम अपने पिता को जाके और अंकल को जाके बोलना, जो भी वो पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, थोड़ा मुझे भी देने के लिए. है कि नहीं? तो वो भी खुश, मैं भी खुश. तो रघुनाथ समझ गया क्या है, तो अपने मीटिंग अरेंज करता है और इसको भी कुछ दे देते हैं. तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखते हैं, ये बताने के लिए रघुनाथ जब बिजनेस करने लगे हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर, बहुत एक्सपर्टीज से ये करने लगे. तो ये पूरा लीला एक साल चला. कौन सा लीला? फर्स्ट क्लास मटेरियलिस्टिक बिजनेसमैन. एक साल तक रघुनाथ ने किया. एक साल बाद रघुनाथ को सहन नहीं हुआ, एक दिन फिर से वो घर से भाग जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, वी विल कंटिन्यू द स्टोरी टुमारो. तो कल शाम को 7 बजे वी विल ट्राई टू कंटिन्यू द स्टोरी. सो आगे लीला आएगी कि कैसे रघुनाथ एक्चुअली पानीहाटी जाते हैं, तीसरी बार नित्यानपुर से मिलते हैं, और बाद में रघुनाथ जगन्नाथपुरी आके क्या करते हैं, उनके लीलाएँ वी विल हियर टुमारो. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. सो ऑन दिस डे चिड़ा दही उत्सव के दिन हम रघुनाथ दास गोस्वामी और खासकर नित्यानपुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका कृपा हो हमारे ज़िंदगी में. और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब अड़चन को लांग दिया नित्यानपुर की कृपा से, तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अड़चन है, शैकल्स, दे आर ऑल बाउंड, यू नो परिवार के शैकल्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, वी आर ऑल बाउंड इन दिस वर्ल्ड. चाहते हैं भक्ति में प्रगति करें पर कुछ तो खींच कर रखता है, बट इफ यू गेट द मर्सी ऑफ नित्यानपुर एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है नित्यानपुर का, याचना कृपा प्राप्त करने के लिए. सो वील स्टॉप एट दिस पॉइंट, वी विल कंटिन्यू टुमारो. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ प्रश्न है? ओके. आप लोगों को कहानी समझ में आया, अच्छा लग रहा है? सो ऑल ऑफ यू आर डू कम टुमारो. कल आएंगे कहानी का कंटिन्यूएशन सुनने के लिए? या शमशान वैराग्य. हाँ तो मैं जब हम मायापुर गए थे, हम ट्रेन में वी वर डिस्कसिंग वन चैप्टर फ्रॉम चैतन्य चरितामृत. सो चैतन्य चरितामृत का ये मध्य लीला है. महाप्रभु बिगिन्स साउथ इंडियन टूर. तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं ना, व्हेन ही गोज टू साउथ इंडिया, ही गोज टू अ प्लेस कॉल्ड कुर्मक्षेत्र. कुर्मक्षेत्र करके आंध्रा में जगह है, वहाँ पर जाते हैं वो, और वहाँ पर एक कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं. और ये कूर्म ब्राह्मण गृहस्थ था. वो महाप्रभु के पास आके बोलता है, महाप्रभु आई जस्ट कांट टॉलरेट फैमिली लाइफ, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, मैं ना अभी आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन हो जाऊँगा, अभी आपके साथ ही चलूँगा पीछे पीछे. महाप्रभु बोलते हैं, डोंट स्पीक लाइक दिस, फिर से ऐसा बात मत करो. सो महाप्रभु टेल्स हिम,
अब जहां पे हो वहीं पर रुको, पर आपको क्या करना है, टू थिंग्स आप लोग, एक चीज बोलते हैं, फर्स्ट ट्राई टू कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा, निरंतर लबे कृष्ण नाम, कंटिन्यूसली आप कृष्ण का नाम लीजिए, और दूसरा चीज उनको बोलते हैं जारे देके तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो मेरा आज्ञा है कि आप गुरु बन जाओ और कृष्ण के प्रति कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण का प्रचार करो। सो टू थिंग्स महाप्रभु टेल्स हिम, यू डोंट हैव टू लीव फैमिली लाइफ, वर्शिप कृष्णा, कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच अबाउट हरे कृष्णा, प्रीच अबाउट कृष्णा। इफ यू डू दीज टू थिंग्स, महाप्रभु बताते हैं आपको परिवार के में रहते हुए भी यू विल प्रोग्रेस अ लॉट, आप बहुत भक्ति में प्रगति करेंगे, यू डोंट हैव टू लीव एंड गो। तो महाप्रभु का ये पूरे दक्षिण भारत में ये ऑलमोस्ट द सेम इंस्ट्रक्शन महाप्रभु वुड गिव एवरी वन, हर एक ग्रस्त के घर में जाते थे प्रसाद स्वीकार करने के लिए, महाप्रभु वुड गिव द सेम इंस्ट्रक्शन, चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच टू अदर्स, इफ यू डू दिस यू विल नॉट बी अफेक्टेड। उसके बाद वही कूर्म ग्राम में एक वासुदेव करके एक लेपर आता है, कुष्ठ रोग था ये ब्राह्मण को, वो महाप्रभु से मिलने के लिए आता है और महाप्रभु इसको आलिंगन करते हैं और उसका पूरा कुष्ठ रोग मिट जाता है। सो ही हैड अ क्वेश्चन, वो महाप्रभु को बोलता है अभी मैं तो सुंदर बन गया हूं पर अभी मेरे मन में घमंड आएगा, मैं क्या करूं, आई बिकम प्राउड नाउ दैट आई हैव गॉट स्पेशल मर्सी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु फिर से वही चीज बोलते हैं, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच, यू विल नेवर बी अफेक्टेड बाय प्राइड। सो महाप्रभु का फॉर्मूला सेम है, एक्सटर्नली कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। Therefore, महाप्रभु इंस्ट्रक्शन टू रघुनाथ दास इज अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तुमाय करिबे उद्धार। अंतरे निष्ठा कर, वी हैव टू डेवलप ग्रेट कन्विक्शन विद इन, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति प्रॉपरली एंड देन कृष्णा विल डिलीवर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके हरे कृष्ण, किसी और का कुछ प्रश्न है, एनी अदर क्वेश्चंस? So at this point, na, Gopal Swami.